हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी को। तो फ्रेंड्स, इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जारी करने के लिए सिटी सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा समस्या निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है ही नहीं। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन किए थे उस समय एक रिसीविंग मिला होगा, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, या फिर आपके मेल पे आता है, या फिर आपके पास मोबाइल पे आता है। तो ये सब किसी के पास नहीं है, आपके पास है ही नहीं मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप कैसे निकालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपको पूरा प्रक्रिया बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है और उसके बाद आपको कैसे अपना सिटी चेक करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आप जैसे ही हम इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स, आप लोग इस वेबसाइट के लिंक से डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप RRB भोपाल सर्च कीजिएगा और जो फर्स्ट में लिंक खुलेगा उसी वही आपका साइट होगा, उस पर आपको आइएगा तो यहाँ पे चले आइएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, अपडेट के बारे में यहाँ पे दिया गया होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2/8 के डेट में 3 जो कि आपका अपडेट आया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉरगेट करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन को जानना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो सबसे पहले 3 नंबर में यहाँ पे लिंक जो माउस कॉर्नर को देखिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अब इस प्रकार से एक साइट खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे का एक ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप कौन सा जोन से फॉर्म भरे थे। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि आपको कम से कम ये याद होना चाहिए कि आप किस जोन से फॉर्म को भरे थे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आप किस जोन से भरे थे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा समस्या होगा, होगा कुछ नहीं, निकल तो जाएगा ही आपका एडमिट कार्ड, बट थोड़ा सा परेशानी होगा। आपको हम वो भी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे आपको, अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा जोन से भरे थे, तो आपको वो भी बताएंगे, उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे और इसी वीडियो में हमको बताएंगे। तो अभी फिलहाल मेरे पास जोन को मालूम है कि मेरा कौन सा जोन है, ठीक है, कौन सा जोन है। तो अभी फिलहाल मेरा हाजीपुर जोन है, हम हाजीपुर जोन। यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा तो आप अपना नाम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ को हम डालेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका मंथ डाल देंगे, ईयर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या आधार नंबर, तीनों में से एक आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी है, जो भी आपका याद है कि हाँ हम ये वाला दिए थे उस फॉर्म में, तो आप इसको डालेंगे और यहाँ पे नीचे कैप्चा शो हो रहा होगा, उस कैप्चा को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। सबमिट पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके सामने देख पा रहे हैं कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने के बाद एडमिट कार्ड कौन सा सिटी में है, कहाँ है, वो सब देखना है। तो फ्रेंड्स आप बैंक आएंगे, ठीक है। बैंक आने के बाद यहाँ पे ऊपर वाला में जो क्लिक हियर द एग्जाम सिटी स्लिप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको डाल के देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से आपका सिटी स्लिप आ जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ है, वाराणसी कहाँ आपका सेंटर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका वाराणसी में सेंटर है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे 25 अगस्त का इसका एग्जाम है, 3rd पाली में इसका एग्जाम पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन है, जो कि 3rd पाली का 3:30 से 3:30 एग्जाम होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस पाली को देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड का डेट जब भी आएगा और एडमिट कार्ड निकालने का, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं। एडमिट कार्ड आएगा तो आपको हम बता देंगे, अपडेट पाने के लिए आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।